डिस्ट्रिक्ट का है और यहाँ पे देखो इनके टायर वगैरह ये सेटअप बहुत ही अच्छा। अभी ये 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं ब्रदर। हेलो ब्रदर, हेलो 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 हाय। तो अभी बहुत हेल्प किया ब्रदर लगे, सो थैंक यू सो मच इतना हेल्प कर रहे हैं। हेलो ये एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग पे। सो गाइस, आज के ब्लॉग शुरुआत हो रहा है बरेली से 40 किलोमीटर दूर जहाँ पे मैं रुका था रात। ये चेक करो भाई, यहाँ पे रुका था और यहाँ पे मेरी साइकिल है। सो मैंने पूरा सामान रेडी कर लिया और गाइस यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमें आज बरेली से आगे यानी कि मिल्क तक जाना है। सो यार कंटिन्यू बने रहना मेरे ब्लॉग पे। जिन जिन भाई ने मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं यार, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो क्योंकि भाई तुम्हारा भाई इतना मेहनत कर रहा है। तो निकलते हैं फटाफट से क्योंकि हमें लेट हो चुका है। ये देखो धूप वगैरह लग चुका है, तो निकलते हैं फटाफट से। ये है गाइस सुबह का रोड का नज़ारा, निकल पड़े हम अपने मंजिल की तरफ। और भाई सुबह सुबह ना पानी देखो भाई, बारिश की पूरी संभावना 90% दिखा रहा है बारिश का। तो ये है सुबह का नज़ारा कटारी भाई साहब। सुबह जाम लगी हुई है, मैंने 2 या 3 किलोमीटर चलाया बस, देखो जाम के नज़ारे, पूरा जाम लगा हुआ है। अभी तो हमें नहीं मालूम चलेगा। देखो भाई कैसे जाम से निकलना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, बोल बोल से निकलना पड़ रहा है। जिला शाहजहांपुर शहीदों का नगरी थी कि 5 मिनट हमें निकलने में लगा। और ये जाम इसलिए लगी थी कि ये जो हाईवे है इंटरनेशनल हाईवे है और वहाँ पे अगाड़ी पे चेक कर रहा था IAS ऑफिसर, चेक कर रहा था सारी ट्रक लगभग। आप सोचो ना 5 मिनट मैंने साइकिल से आने में लग रही थी, बहुत सारा ट्रक था, बस सारे ट्रक को रोका था और चेक कर रहा था। पूरा खाली रोड है, हम जाम से निकल चुके हैं और जा रहा है अभी। अभी थोड़ी देर चलने के बाद ढाबा वगैरह पे रुकेंगे और चाय वगैरह पियेंगे। गर्मी भी बहुत लग रहा है भाई साहब। हमें एक ढाबा मिल चुका है, शाकाहारी भोजनालय शर्मा जी का शुद्ध। देखो यहाँ पे क्या मिलता है। तो भाई सुबह का नाश्ता आ चुका है, कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे देखो एक परोठा और ये चटनी वगैरह सारा चीज़ है। भाई अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, कुछ इस तरह सा होटल है और मैं अभी खा रहा हूँ। सो थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। मैं तो परोठा खा लिया वीडियो अपलोड कर करके। तो इसे सपोर्ट बनाए रखना और अपने भाई को प्यार देना। और 5-6 दिन और लगेंगे क्योंकि केदारनाथ के जो अपडेट आया है ना, वो बहुत ही भयंकर है। वहाँ पर ना बहुत ही बारिश हो रहा है और पहाड़ों खस रहे हैं पहाड़, सब सारा यात्री सब फंस गए हैं। तो हमने सोचा कि हरिद्वार चले जाते हैं, उसके बाद अपडेट आएंगे तो हम केदारनाथ के लिए निकलेंगे।
तो अभी मैं जा रहा हूँ हरिद्वार। हरिद्वार यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है और हमें 3 दिन लगेंगे 300 किलोमीटर दूर। सो खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद निकलते हैं भाई साहब। निकलते हमने नाश्ता वगैरह कर ली है और निकलते हैं अभी यहाँ से भाई। नेट का इधर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यार। तो गाइस अभी एक राइडर मिला है हमें, बरेली से कुछ 20 किलोमीटर पीछे हूँ, तो उनसे मिलते हैं चलते हैं। किधर जा रहे भैया? अभी नेपाल से ब्रदर। नेपाल? जी नेपाल से। अभी मैंने बरेली की तरफ निकल रहा था और बरेली से मैं 10-15 किलोमीटर दूर हूँ और एक मेरे को राइडर मिल रहा है जो कि ब्रदर है कर्नाटक का। ब्रदर से बात करने से पहले मैं उनकी साइकिल दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी मेरे से ज़्यादा कम्फर्टेबल है उनकी साइकिल, यहाँ पर देख सकते हो। और ये साइकिल 26 का है और यहाँ पे देखो इनकी टायर वगैरह, ये सेटअप बहुत ही अच्छा है मेरे से काफ़ी सारा। और ये साइकिल का जो ऊंचाई है वो 5 फीट होगा, है ना ब्रदर? 5 फीट तक है, मेरा तो 4 या 4.5 होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कहीं पे दुकान नहीं मिलने के कारण। ये मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जो कि आगे जाके शायद मिल जाए दुकान तो अच्छा रहेगा। चलो आप ना ब्रदर से हम बात करते हैं और कहाँ के रहने वाले सारे डिटेल हम ब्रदर से लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ब्रदर आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, कर्नाटक से आया हुआ। कर्नाटक से आया रहा। और साइकिल से मतलब अभी कहाँ के जर्नी स्टार्ट है, कहाँ से कहाँ तक की? अभी ये 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं ब्रदर। और मतलब कितने मतलब सात कर लिया है और अभी ना बनारस के तरफ जा रहा है ब्रदर, तो हमसे मिला यहाँ पे जो मैं केदारनाथ की यात्रा पर निकला हूँ और ब्रदर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं, 7 कर लिया है। तो ब्रदर आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और हम दोनों का ऐसा ही फ्रेंड और जितने साइकिल राइडर हैं मैं उन सभी से मिलना चाहता हूँ, अगर टाइम मिले तो सबसे मिलेंगे। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो अभी हम मोहन भाई से अभी बिछड़ रहे हैं तो फिर होगा किसी टाइम मिलेंगे दोबारा। मोहन भाई जय श्री राम। चलो भाई साहब, अभी अभी मोहन भैया मिले थे और वो कर्नाटका का है, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे निकले हुए हैं और उसने बताया केदारनाथ के अपडेट के बारे में। तो वो 1 महीना 4 दिन के लिए बंद हो चुकी है, हमें जाने में केदारनाथ 10-15 दिन और लगेंगे, तो देखते हैं यार आगे केदारनाथ खुलेंगे तो हम जाएंगे हरिद्वार से केदारनाथ, अगर केदारनाथ नहीं खुले होंगे तो हम बद्रीनाथ या तो अमरनाथ की यात्रा पे चले जाएंगे। सो अगर भोलेनाथ की कृपा रहा तो जल्द खुल जाएंगे केदारनाथ। सो बने रहना कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स पे और ऐसे ही आप लोग प्यार दे, सपोर्ट करें। ये चेक करो भाई, बरेली का गेट कितना भयंकर है, खतरनाक है ना। बरेली का गेट अभी बन ही रहा है। जब भी मैं हूँ बरेली में और बरेली के जो जंगल वाला रास्ता है बाई रोड से उसे मैं गुजर रहा था, यहाँ पे अपना साइकिल लगा है और गाइस मैंने देखा उस साइड में भाई बहुत बड़ा बड़ा कोप है, तो शायद रिकॉर्ड करने देंगे या नहीं, बट हम जाते हैं उसके पार, वो रास्ते के उस पार है बहुत बड़ा बड़ा कोप, देखते हैं रिकॉर्ड करने देंगे या नहीं, फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे फिर उसके बाद हम निकलेंगे। आ चुका हूँ रास्ते के इस पार और इतनी बड़ी तोप देख रहा हूँ जो आप सबको दिखाना चाहता हूँ, शायद मैंने इतनी बड़ी तोप नहीं देखी है। यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ ईगल बना है और ये तोप है और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं भेदक शत्रु का, और वहाँ ग्राउंड द्वार वहाँ पे लिखा होगा छोटा सा दिख रहा, और वहाँ पे एक है, दो तोप है यहाँ पे, और मैं अपनी लाइफ में इतनी बड़ी तोप नहीं देखी है। हालांकि मैं इस रास्ते से जा रहा था और यहाँ पे सारी चीज़ें माइंस वगैरह जो लगाने का ट्रेनिंग होता है शायद वो देता है, यहाँ पर देख सकते ये पूरा दरबार है यहाँ पर, ये देखो भाई साहब यहाँ पर
पूरा इतनी बड़ी शौक है भाई, पूछो ही मत। चलो ऐप में से लग में से देखा था आप सबका, ये चेक करो भाई, ये टॉप है टॉप। ये ट्रेनिंग सेंटर जो कि लगाने का माइंस वगैरह पूरा पिक्चर दिया हुआ है, तो ये टॉप है और मैं जो टॉप के सामने में हूँ। तो गाइस अभी निकलते हैं, फिलहाल पानी पड़ने का संभावना, ये देखो पूरे बादल लग चुका है चारों तरफ से। बरेली से निकलेंगे तो थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि ये जंगल के रास्ता है, यहाँ पे बारिश होगा तो नुकरने की जगह नहीं है, गिर जाएंगे हम। तो यहाँ से अभी निकलते हैं, हमने छोटी सी क्लिप हमने ले ली है और वो उसके आने से पहले हमने क्लिप ले ली है छोटी सी, बट फोटो खींचने जा रहा था वैसे ही आर्मी जवान आ गए तो फोटो नहीं ले पाए, बट हमने छोटी सी वीडियो क्लिप ले ली है। अब निकलते हैं हम इसके तरफ जो हमारे यहाँ पे लगा है, हालांकि बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा बरेली से, तो चलिए बने रहना कंटिन्यू ब्लॉग से। कौन से जगह है बरोदा? ये पर्दा खेड़े पड़ता है, ये बरेली है, बरेली पड़ता खेड़ा। सो फाइनली गाइस अभी मैं बरेली में रुका हुआ था और ब्रदर लोग हैं यहाँ पे। हेलो ब्रदर। हेलो 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 हाय। तो अभी बहुत हेल्प किया ब्रदर लोग हैं, सो थैंक यू सो मच इतने हेल्प करने के लिए। और ये यूपी है, यूपी में बहुत सारे हेल्प मिला मुझको, मैं यूपी को कभी नहीं भूलूंगा। तो यहाँ पे खाना वगैरह खाया है, यहाँ पे अंकल है हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो अभी निकलते हैं हम यहाँ से और हमारा टारगेट है मलिक, मलिक का टारगेट मतलब वहाँ पे रुकना है। मिलक, तो मिलक है वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ हमारी गाड़ियाँ भी दिखा दो यार। यहाँ पे शोरूम है ना एस्कोडा का, ये शोरूम है एस्कोडा का जो यहाँ पे खाना वगैरह खिलाया ब्रदर लोग ने हमारे सारे, तो थैंक यू सो मच ब्रदर लोग के लिए और यूपी के जितने सारे भाई बहन है सबके लिए। अभी हम निकलते हैं यहाँ से, मिलक पे हमारा टारगेट है रुकने का, तो निकलते हैं अभी। पेट भर गया था ना? हाँ ठीक है, आराम से जाना थोड़ा। ओके जैसे ही मैंने खाना खा के निकले ब्रदर से 1 किलोमीटर आगे बरेली से, सो हमें ये सारा चीज़ देखने मिले रास्ते में। ये देखो भाई छोटी छोटी थार, ओह माय गॉड, ये चेक करो भाई ये थार है और इसमें सिद्धू मूसेवाला का फोटो लगा हुआ। पंजाब, पंजाब का कैमरा ही। हाँ कैमरा, यहाँ पर थार देखने को मिली है। और ये ब्रदर आप इसी में काम करते हैं? हाँ, तो ये देखो बहुत सारे थार है, यहाँ देखो उधर भी देखो वहाँ पे भी है और ये सारे बेच रहे हैं। ये देखो यहाँ पे उधर भी है और ये ब्रदर लोग बेच रहे हैं, तो हमें रास्ते में मिला है। अगर ये है गाइस हमें रियल लाइफ में मिल जाता तो शायद कितना अच्छा होता।